मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के विज्ञान के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 5 आसपास के पदार्थ अवस्था एवं गुणधर्म, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पदार्थों की अवस्थाएं और रूपांतरण। पदार्थों की अवस्था, पदार्थ ठोस द्रव गैसी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसका अध्ययन आपने पांचवी कक्षा में किया है। आज जब इन पदार्थों को उष्मा देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो इनका रूपांतरण किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करना है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पे क्या होता है, द्रव पदार्थ को गर्म करने पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं। ठोस पदार्थ को उष्मा देंगे उसका रूपांतरण द्रव अवस्था में होता है, द्रव पदार्थ को उष्मा देंगे उसका रूपांतरण गैसीय अवस्था में होता है। अब इन पदार्थों को ठंडा करने पे, जैसे गैसीय पदार्थ है, यहाँ पर देखिए ठोस पदार्थ को उष्मा देने पर द्रव अवस्था में रूपांतरण होता है, द्रव पदार्थ को उष्मा देने पर गैसीय अवस्था में होता है, उष्मा निकाल देने पर अर्थात ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होता है द्रव अवस्था में आता है और द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आता है। इस प्रकार कुछ प्रैक्टिकल कुछ उदाहरणों की सहायता से हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, आइए देखिए, यहाँ पर एक कटोरी में हमने ठोस मोम लिया है, यहाँ लिखा हुआ है ठोस मोम। अब इसको स्टैंड पर, इस कटोरी को हमने व्यवस्थित किया है, इसको फिट किया है और नीचे स्प्रिट लैम्प से हम इसको गर्म करते हैं, तो ये मोम का रूपांतरण किस में होगा। मोम ठोस मोम है, स्टैंड पर व्यवस्थित किया है, नीचे हमने स्प्रिट लैम्प या बर्नर भी लगा सकते हैं, इससे गर्म करने पर मोम पिघलने लगेगा, पिघलता हुआ मोम। अब जैसे जैसे गर्म होते जाएगा वैसे वैसे ठोस का रूपांतरण द्रव अवस्था में और द्रव का रूपांतरण गैसीय अवस्था में होता है, इस प्रयोग के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते कुछ पदार्थों के विभिन्न पदार्थ कैसे हैं। यहाँ हम विभिन्न पदार्थों को देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्प्रिट लैम्प, घी, नौसादर की गोलियाँ, कोलतार की गोलियाँ हैं, ये किस अवस्थाएं में हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये गोली नेप्थिलिन की गोलियाँ, भी इसको कह सकते हैं नौसादर की गोलियाँ हैं, ये ठोस अवस्था में है और ये क्या है द्रव अवस्था में है। स्प्रिट लैम्प ये द्रव अवस्था में, इसके अलावा नारियल का तेल, पानी, स्प्रिट लैम्प, ये सब द्रव अवस्था में पाई जाती है और हमारे आसपास जो हवा है, गैसों का आवरण है, वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। प्रत्येक पदार्थ को उष्मा देने अथवा उष्मा लेने से उनका रूपांतरण होता है। हमारे आसपास का प्रत्येक पदार्थ ठोस द्रव गैस में या किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है तो उसे ही पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। अगली आकृति देखिए, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, इनको उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। ठोस पदार्थ लोहे का टुकड़ा, पेंसिल, कोई भी जो ठोस पदार्थ है उसको हम ठोस कहते हैं। द्रव पदार्थ में पानी है, स्प्रिट है, तेल है, जो भी लिक्विड पदार्थ है उसको हम द्रव कहते हैं, गैस में हम हवा। अब इनका आकार कैसे होता है, ठोस का आकार स्वयं का आकार होता है, उसको हम कैसे भी कहीं पर भी रखें तो अपने निश्चित आकार में रहता है। द्रव पदार्थ का इनका आकार नहीं होता है, जैसे हमने दूध लिया है उसको बर्तन में डालेंगे तो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है,
जमीन पर डालेंगे तो फैल जाता है। उसी तरह गैसों का स्वयं का आकार नहीं होता है, ये उपलब्ध संपूर्ण जगह में फैले हुए होते हैं। अगला पॉइंट आता है आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है। चीनी बालू जैसे ठोसों को समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर उनका ढेर तैयार रहता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, जैसे हम कहते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर तेल। बर्तन की एक निश्चित जगह में फैलता है, समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर फैलते हैं, ढाल की दिशा में प्रवाहित होते हैं, पृष्ठ भाग का आकार ग्रहण करते हैं। गैसों का कोई न आकार होता है न कोई आयतन होता है। बर्तन में बंद गैस का दाब कम अधिक करने पर उसका आयतन भी कम अधिक होता है। तो हमने क्या सीखा? ठोस का आकार और आयतन निश्चित रहता है, द्रव का आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, गैसों का ना आकार होता है ना आयतन होता है। आइए आगे देखिए। आइए अवस्था में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ठोस पदार्थ को उष्मा देने पर द्रव पदार्थ बनता है, द्रव पदार्थ को उष्मा देने पर गैस बनता है, गैस पदार्थ को ठंडा करने पर द्रव बनता है, द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है। तो हमने पदार्थों की अवस्था और रूपांतरण इसका अध्ययन किया। अब हम तापमान और तापमापी। किसी पदार्थ का तापमान, कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा, उसे ही उस पदार्थ का तापमान कहते हैं। अब हम कैसे निश्चित करेंगे यह पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा? तो उसको मापने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। आजकल डिजिटल तापमापी का भी उपयोग किया जा रहा है, तो तापमान के मापन के लिए हम तापमापी का उपयोग करते हैं। इसका मापन शून्य या इसका मापन हम अंश सेल्सियस किस इकाई में करते हैं? अंश सेल्सियस नामक इकाई में करते हैं। और आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जा रहा है। तो तापमापी के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो आइए आकृति के माध्यम से हम तापमापी का अध्ययन करते हैं। तो आइए, ये तापमापी है। किसी भी पदार्थ का तापमान ज्ञात करना हो तो हम तापमापी का उपयोग करते हैं। तापमापी के निचले सिरे में पारा भरा होता है, और जब हम किसी पदार्थ का तापमान ज्ञात करते हैं यह पारा ऊपर चढ़ते जाता है। जितना ही ऊपर चढ़ेगा वह उस पदार्थ का तापमान होता है। तापमान का मापन हम अंश सेल्सियस में भी करते हैं, और ये एफ फारेनहाइट में किया जाता है। तो तापमान के मापन के लिए अंश सेल्सियस या फारेनहाइट नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। और कुछ तापमापी की आकृति हम देखते हैं। यह भी तापमापी है। इसका सीधा जब हम अपने शरीर का तापमान मापना है, मानव शरीर का तापमान मापा जाता है, तो इस तापमापी से इसका तापमान मापा जाता है। इसको मुख में या हमारे शरीर के हाथों के निचले भाग में इसको रखकर पदार्थ शरीर का तापमान मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है वह इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में थर्मामीटर या तापमापी भी कहते हैं। ज्वर मापी, क्या कहेंगे हम इसको? ज्वर मापी। अगला तापमापी देखिए। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के डिजिटल तापमापी उपलब्ध है। तो इस तापमापी द्वारा हम बिना शरीर को टच किए दूर से ही हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है इस तापमापी द्वारा मापा जा सकता है। आजकल जो कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है उस समय इसको दूर से ही हमारे शरीर के पास लाकर इस तापमापी से शरीर का तापमान मापा जाता है। इस आकृति में तापमान कैसे मापा जाता है, तापमान नाप कर लिखना, वो दिखाया गया है। इसमें पात्र में बर्फ के टुकड़े हैं, और इसमें तापमापी का निचला सिरा रखा गया है, और घुंडी के निचले सिरे में पारा भरा हुआ है। पारा जितना ऊपर चढ़ेगा वही उस पदार्थ का तापमान होता है। तो बर्फ है, बर्फ का तापमान 0 अंश सेल्सियस होता है लगभग। तो इस प्रकार से हम तापमापी से बर्फ का तापमान मापते हैं।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि उबलते पानी का तापमान कितना होता है। तो उबलता हुआ पानी है जिसका तापमान 100 अंश सेल्सियस होता है, और जो पानी जमता है, जमने वाला पानी बर्फ, उसका तापमान होता है 0 अंश सेल्सियस। जो हवा होती है, शरद ऋतु में रात के समय हवा बहुत ठंडी होती है, लगभग 15 अंश सेल्सियस से कम तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय गर्मी लगती है, उस समय हवा का तापमान 35 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। आइए फ्रिज के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 5 अंश सेल्सियस से कम होता है। फ्रिज के भीतर का तापमान क्या होता है, 5 अंश सेल्सियस से कम। फ्रीजर के अंदर का तापमान, जो फ्रीजर होता है जिसमें वस्तु जम जाती है, उसका तापमान 18 सेल्सियस से अधिक होता है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान 37 अंश सेल्सियस होता है। आइए क्वथन की क्रिया किसे कहते हैं। यहां पर एक पात्र में हमने पानी लिया है और इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक तापमापी डाले हैं और उसका तापमान नोट करते हैं। अब शुरुआत में देखिए वो पानी था, पानी का तापमान कितना था, 20 अंश सेल्सियस, कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे गर्म होते जाता है उसका तापमान बढ़ते जाता है, तापमान यहाँ पे कितना हो गया, 50 अंश सेल्सियस। और जैसे जैसे तापमान और बढ़ते जाएगा यानी पानी उबलने लगेगा, उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है। मतलब जैसे जैसे ही वो गर्म होने लगेगा पानी, वो उबलने लगेगा। उबलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। उबलते हुए पानी का तापमान को ही हम क्वथन कहेंगे, या पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस। समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी 100 अंश सेल्सियस तापमान पर उबलता है, इसे ही पानी का क्वथनांक कहते हैं। पानी का वाष्प ठंडा होने पर वाष्प का पुनः पानी बनता है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प का संघनन भी 100 अंश सेल्सियस पर होता है। अगली आप देखिए, पदार्थों को ऊष्मा मिलते रहने पर, किसी पदार्थ को ऊष्मा मिलते रहने, ठोस पदार्थ था, जब उसको ऊष्मा मिलेगी तो गलेगा, गलन की क्रिया होगी और उसका रूपांतरण द्रव अवस्था में, और द्रव को भी गर्म करेंगे तो उसका क्वथन होगा, उबलने लगेगा, उसको कहते हैं गैसीय अवस्था। और उसमें से उसको ऊष्मा को निकाल लेंगे, ठंडा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संघनन की क्रिया। और संघनन के बाद वह जम जाता है, बर्फ अवस्था में आता है, उसे कहते हैं जमना। तो कहने का तात्पर्य है कि ठोस को गर्म करने पर गलने लगता है, द्रव बनता है, द्रव को गैस गलने गर्म करने पर गैस बनता है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन को और उष्मा निकालने पर उसका संघनन होता है और वह जम जाता है। पदार्थ का तापमान 0 अंश सेल्सियस से भी कम होता है, तो हमने क्या देखा, जिस तापमान पर जमने की क्रिया होती है उसे पानी का हिमांक कहते हैं। अब पदार्थ को गर्म होते समय जिस तापमान पर उसका क्वथन होता है, ठंडा होते समय उसी तापमान पर उसका संघनन भी होता है। पदार्थ ठंडा होते समय जिस तापमान पर वह जमता है, गर्म होते समय उसी तापमान पर पिघलता है। अब यहाँ पर हम रूपांतरण के विभिन्न उपयोगों को देखेंगे। जैसे पैराफिन है, वैक्स, मोम को पिघलाकर हम क्या बनाते हैं, मोमबत्ती, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में तथा उसे ठंडा रखने में उसका उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था वाली नाइट्रोजन का उपयोग रक्त कोशिकाओं तथा पशुओं के शुक्राणुओं को टिकाने में होता है। चौथा है, बालू को पिघलाकर कांच बनाया जाता है, सोने चांदी से आभूषण बनाने के लिए इन धातुओं को पिघलाया जाता है, औजार बनाने के लिए लोहे को पिघलाया जाता है। अब
आगे हम देखेंगे ऊर्ध्वपतन की क्रिया किसे कहते हैं। आइए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं इसको हम देखेंगे प्रयोग के माध्यम से। एक तस्तरी है, नीचे भाग में हम क्या देख रहे हैं, ये तस्तरी है, इसमें हमने बालू लिया है थोड़ी सी और इसके ऊपर आयोडीन के टुकड़े रखे हैं, या आयोडीन के टुकड़े, और इसके ऊपर हमने कांच की औधि कीप रखी, कांच की कीप, और उसके ऊपरी सिरे में जहां से छिद्र होता है वहां पर रूई की गोलियां, रूई लगाया है, और इसको स्टैंड के ऊपर व्यवस्थित किया है, रखा है, और नीचे हमने क्या लगाया, बर्नर लगाया है। पुनः एक बार देख लेते हैं, तो एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने एक तस्तरी लिया है, तस्तरी में बालू है और बालू में आयोडीन के टुकड़े हैं, और इसके ऊपर हमने एक उल्टी की औंधी रखी है और इसके अंदर रूई के टुकड़े डाला है। अब आयोडीन के टुकड़े इसमें हैं, जब इसको गर्म करते हैं बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं, जैसे जैसे गर्म होता जाता है वैसे वैसे आयोडीन ठोस अवस्था में, हमने सीखा है कि ठोस को गर्म करने पे द्रव बनता है, द्रव को गर्म करने पे गैस बनता है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया नहीं हो रही है, ठोस को गर्म करते ही उसका रूपांतरण सीधे गैसीय अवस्था में हो रहा है, यहाँ द्रव अवस्था में रूपांतरण नहीं हो रहा है, सीधे कैसे होता है गैसीय अवस्था में। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नौसादर, कपूर, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कि जो पदार्थ को ऊष्मा देने पर ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ हमें बताया कपूर है, आयोडीन की गोलियां हैं और नौसादर है, ये सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा, कपूर को खुला रख दो तो उड़ जाते हैं। इस प्रकार हमने आज के पाठ में अध्ययन किया है कि पदार्थों की अवस्थाएं क्या है, उनका रूपांतरण क्या है। इस तरह से आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।